सभी भक्तजनों को सप्रणाम। भक्तों, आज आपको मैं पद्म सर्पासन बतलाने जा रहा हूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है उनके लिए जो कमर की दर्द से, घुटने की दर्द से, टखने के दर्द से, पिंडलियों के दर्द से, पीठ के दर्द से, कंधे के दर्द से, गर्दन के दर्द से, यानी सर्वाइकल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, स्पॉन्डलाइसिस जिनको है, सर दर्द करता है, आंखों में परेशानी है, यह कमाल का आसन है। और जिनको, जो विद्यार्थी हैं जिनका काम जो है बहुत ज़्यादा पढ़ना लिखना है, डेस्क वर्क करना है, जो ऑफिस में ऐसा करते हैं, उनके लिए यह बहुत ही अच्छा है। जो बहुत बाइक वगैरह चलाते हैं उनके लिए भी यह बहुत ही अच्छा है। जो हृदय रोग की बीमारी से परेशान हैं, रक्तचाप उनका अनियमित रहता है, चाहे हाई हो चाहे लो हो, और जिनको सांस की परेशानी है, सांस जिनकी फूलती है, दमा की परेशानी है, कफ जम जाता है, बहुत कफ की शिकायत है, सर्दी खांसी जुकाम होता रहता है, उससे पीड़ित हैं, जिन्हें भूख नहीं लगती है, नींद नहीं आती है, अनिद्रा की शिकायत है, इनका गुर्दा खराब है, और जो अल्सर की समस्या से परेशान है, कोलाइटिस जिनको है, उनके लिए बहुत अच्छा है। जिन्हें बहुत ज़्यादा गैस की समस्या से जो पीड़ित हैं, उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। एक ही आसन में इतने इतने फायदे सुन के आपको चंबा लगेगा, लेकिन यह बहुत ही लाभकारी है। आप इसे करेंगे तो आप स्वयं ही पाएंगे। आपको इसे 3 मिनट तक करना है, तभी यथोचित आपको लाभ मिलेगा। लेकिन आप शुरुआत में 3 मिनट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप 30 सेकंड कीजिए, धीरे धीरे बातें 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 3 मिनट तक आपको जाना है। आप एक बार में हो सकता है कि कम कर सकें, फिर आप कई अटेम्प्ट में भी आप 3 मिनट तक इसे ले जा सकते हैं। एक अटेम्प्ट में अगर आप नहीं ले जा पा रहे हैं, एक बार में आप नहीं कर पा रहे हैं, तो कई बार के प्रयास में आप कर लें इसे। तो 3 मिनट तक आपको इसे करना है। थोड़ा थोड़ा करके भी कर लेंगे तो, या एक बार में कर लेंगे तो आपको लाभ इसका मिलेगा, और पहले दिन से ही आपको लाभ दिखेगा। तो देखिए क्या करना है आपको। ऐसे पद्मासन जैसे मैंने लगाया, ऐसे पैर को चढ़ा लेना है। अब जिनका पैर नहीं चढ़ता है, पहले तो उनको पद्मासन लगाना ही सीखना होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पद्मासन ही नहीं लगा पाते, तो पहले पद्मासन लगाना सीख जाइए। तो इसके लिए पद्मासन का जो वीडियो है हमारा बना हुआ, तो उसमें आप देखिए कि मैंने तरीका बताया कैसे कैसे आपको पद्मासन लगाना हो, जिनका नहीं लगता है। जिनका लगता है वही इस आसन को कर पाएंगे, तो पहले तो वह लगाना सीख जाइए। तो अब जब ये आप लगा लिए, तो अब आपको क्या करना है कि इसमें पलट जाना है। इस तरह से पलट गए। इसको दो तरीके से किया जाता है। एक तो हाथ को अगल बगल रखेंगे, दूसरा हाथ के ऊपर हाथ रखेंगे। ये दोनों ही तरीके हैं और दोनों का एक ही फायदा आपको मिलेगा। तो पहले दोनों तरीकों से करते हैं। बारिश से पहले हाथ के ऊपर हाथ रखते हैं, कमर को नीचे दबाते हैं, सर को ऊपर उठाते हैं और देखना ऊपर है। इस तरह से आप करेंगे। दूसरी बार दूसरी तरीके से हाथ को अगल बगल रख लेंगे और मैंने आपको कुछ सेकंड दिखलाया करके, आपको 3 मिनट तक जाना है। और दोनों जो विधियां बताई है, हाथ को बगल रख के और हाथ के ऊपर हाथ रख के, दोनों विधियों से आप ट्राई करेंगे, दोनों विधियों से करेंगे 3-3 मिनट, तो आप इसका समुचित लाभ पाएंगे। तो इसमें इतना ही।